फैक्ट नंबर एक, गाइस तीन ऐसी किताबें जिन्हें पढ़ने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। नंबर वन, माइंडसेट। अगर आप भी अपने माइंडसेट को बदल कर लाइफ में तरक्की या वो सब पाना चाहते हो जो एक सफल इंसान के पास है, तो आपको कैरल एस ड्वेक की ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर दो, टूल्स ऑफ टाइटंस। ये बुक उन तमाम सक्सेसफुल लोगों की कहानी है जो आपको सिखाती है कि आपको हेल्दी और वेल्दी रहने के लिए क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगर आप भी इन टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं तो आप ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर थ्री, द अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएलो द्वारा लिखी हुई ये बुक आपको बताएगी कि अक्सर जिस चीज के लिए आप इधर उधर भटकते हो वो एक्चुअली आपके पास ही होती है। नंबर दो, आखिरकार 36 साल के लंबे इंतजार के बाद मेसी के अर्जेंटीना ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी उम्मीद हर एक फुटबॉल फैंस को थी। जी हाँ गाइस, अर्जेंटीना ने फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन मेसी और अर्जेंटीना के लिए इस ट्रॉफी को जीतना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि फ्रांस के पास एम्बापे जैसे यंग खिलाड़ी थे जो कि किसी भी समय मैच को पलटने की काबिलियत रखते थे। और ऐसा हुआ भी, मैच के 80वें मिनट तक अर्जेंटीना 2 गोल से आगे चल रहा था, लेकिन 23 साल के एम्बापे ने लगातार 2 गोल करके मैच का पूरा रुख ही बदल दिया था और इस तरह से मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुंच गया, जहां मैसी का एक्सपीरियंस यंग ब्लड पर भारी पड़ गया और मैसी की टीम शूटआउट में 4-2 से जीत गई, जिसके बाद मैसी को गोल्डन बॉल से नवाजा गया। तो वहीं फाइनल में हैट्रिक लेने वाले एम्बापे को टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने के लिए गोल्डन बूट से नवाजा गया।